मध्य प्रदेश के चुनावी महासंग्राम में बयानों की जंग जारी है। राहुल गांधी ने आक्रमण किया तो बीडी शर्मा ने पलटवार और भगवंत मान ने अपने दावे। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर प्रयोगशाला वाले प्रसंग से हमला बोला, बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हम जोड़ने का काम करते हैं और वो तोड़ने का। विंध्य दौरे पर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी को वोट देने के फायदे गिनाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का पहला और 10 दिन के अंदर एमपी का दूसरा दौरा था। राहुल गांधी ने शहजोल के ब्योहारी में जनसभा की। आदिवासियों को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के मुंह में आदिवासी लेकिन दिमाग में वनवासी है। आडवाणी की किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में। बीजेपी के इस कारखाने में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल ने एक बार फिर जाति जनगणना की बात दोहराई। आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है, इसको हम बदलने जा रहे हैं। और पहला कदम कास्ट सेंसस, जाति जनगणना है पहला कदम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के आरोप पर आक्रामक पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों में अभी भी अंग्रेजों का डीएनए है, इसलिए वह फूट डालो शासन करो की नीति पर काम करते हैं। कांग्रेस की जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा, हम जोड़ने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी ने जो गुड गवर्नेंस दी है इससे कांग्रेस बौखलाई है। इधर आम आदमी पार्टी एमपी में चुनावी रण को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के अंदर शहडोल में दौरे पर हैं। वहां भी वो जो कह रहे हैं, आप मीडिया के मित्रों ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग है और जनजाति अलग है, वनवासी अलग है। ये वनवासी बाहर से आए हैं। कांग्रेस, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो राज करो। अरे कम से कम आप जनजाति क्षेत्र में गए थे, आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए संपूर्ण न्योछावर करके टंट्या मामा से लेकर के इस देश के अंदर, इस देश की आजादी में रानी दुर्गावती से, शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर ऐसे कितने ही महान क्रांतिकारियों ने इस भारत की आजादी के लिए, इस मध्य प्रदेश के हमारे क्रांतिकारी आदिवासी वीरों ने बलिदान दिया है, इन सबको छोड़ करके उन भाई और बहनों के बीच में भी डिवीजन कैसे किया जा सकता है? यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। फूट डालो राज करो। मध्य प्रदेश की मिट्टी को बेच दिया इन्होंने, हमारे शहीदों के कफनों में पैसे खा लिए। कोई ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं, इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। ये मोदी और ये शिवराज चौहान और ये भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनावी मैदान में जुबानी चौके छक्के लगने तेज हो गए हैं।
फील्डिंग सारी टीमों ने लगा रखी है। सियासी सितारे पिच पर उतर रहे हैं, मैदान लोकतंत्र का है और जनता दर्शक। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। प्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह राजावत जी जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी इस डिबेट का हिस्सा। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं उनकी सभाएं भी हो रही है। राहुल गांधी आज पहुंचे थे, भगवंत मान ने भी हुंकार भरी। किस तरह से इन पूरी सभाओं को आप देखते हैं और जो आरोप इन पार्टियों ने लगाए हैं आपकी पार्टी पर, सरकार पर? विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, लेकिन स्वयं विपक्ष एक्सपोज होता है इस प्रकार के आरोप लगा करके जी। जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी आए हैं और राहुल जी ने जो आरोप लगाए वो स्वयं उनके ऊपर ही पड़ जाते हैं। आप देखिए, एक समय मंडल का एक समय, सबसे पहले 1953 में जी काका कालिनकर कमीशन की गठन किया गया था और काका कालिनकर की गठन का रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। दबाने का काम कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकारों ने लगातार करते रहे जी। जब हमारी आपातकाल के बाद में चुनाव हुए, हमारी सरकार आई, तो हमने 1978 में मंडल कमीशन की स्थापना की हमारी सरकार ने, और उस सरकार की रिपोर्ट 1980 में आ गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी उसके बाद उन्होंने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा। जब हमारी बीपी सिंह के साथ में जो हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सदन पर रखी गई और उसके बाद ही ओबीसी कमीशन का गठन हुआ और राष्ट्रीय, जिसको एनसीबीसी भी कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और वो हुआ 14 अगस्त 1993 को गठन हुआ था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इस संवैधानिक दर्जा देने का काम भी देखिए जी कांग्रेस की सरकारें रही, मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार रही, ये कहते रहे, लेकिन उन्होंने उसको दर्जा नहीं दे पाए। उस दर्जा देने का काम हमें सौभाग्य मिला और वो मिला 11 अगस्त 2018 को। तो आप सोचिए कहां 14 अगस्त 1993 में संवैधानिक आयोग का गठन हो गया था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं दिए गए थे। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, इन्होंने हमेशा ओबीसी को छला है और जिस प्रकार से आप देखें कि जात पर ना पात पर मोहर लगे की हाथ पर, स्वयं इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का ये नारा रहता था कि हमारे यहाँ, और इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने कहा कि देश में जाति और पार्टी जात पात हटना चाहिए जी। और उसको आज एक कांग्रेस क्या है, सत्ता में इससे बाहर है और मछली से जैसे तड़प रही है, जैसे पानी में से मछली निकाल लेते हैं जी। तो उसी प्रकार से सत्ता की तड़प में ये अपने ही जो नैरेटिव है, इनके जो नारे रहे, जो सिद्धांत रहे, उससे विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जातिवाद को समाप्त कर दें तो बहुत अच्छा होगा, हमारा भारत एक होना चाहिए, क्योंकि कई बुराइयां उसके कारण होती हैं। लेकिन आज उसी बात को लेके आ रहे हैं और अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी जो उसके प्रतीक हैं, जिस प्रकार से कहते हैं सारे मोदी चोर हैं, तो सारे मोदी चोर हैं, तो आप देखिए सबसे ज्यादा मोदी जो समाज आती है वो ओबीसी वर्ग से आती है, वो ओबीसी वर्ग का अपमान कर देते हैं राहुल गांधी जी। साथ ही साथ कई मोदी जो सरनेम है वो जैनों में, जैन समाज में भी होता है, कुछ ब्राह्मणों में होता है, कुछ ठाकरों में होता है, जो मोदी जो राजस्व एकत्रित करते उस प्रकार की उपाधि होती थी, तो सामान्य वर्ग के लोगों का भी अपमान कर दिया जाता है। तो ये ओबीसी हंता है और सामान्य वर्ग की हंता है तो कांग्रेस है और राहुल गांधी जी उसके प्रतीक है, जिसमें उनको सजा हो चुकी है निचले कोर्ट से, अभी वो स्टे लेके आए हैं और वो मुझे लगता है जब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा पुनः कन्विक्टेड होंगे उसमें और उनको भोगना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस जो है हमेशा ओबीसी के साथ छल पाखंड और प्रपंच करती आई है, जो मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय से उन्होंने दबा के रखा। चलिए जवाब ले लेते हैं और सिद्धार्थ जी बता दूं आरोपों पर आपका जवाब। ठीक है सत्येंद्र जी, फिर से आपके पास आऊंगा, सिद्धार्थ जी का मौका है जी। सिद्धार्थ जी, अमित जी जी, मैंने बड़ी लंबी लंबी बातें सत्येंद्र भाई की भी सुनी और बीडी शर्मा जी की भी सुनी जी। उन्होंने आज कांग्रेस के ऊपर एक लांछन लगाया कि कांग्रेस है ना अंग्रेजों की पार्टी है जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई? मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े विश्वास के साथ में जी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1916 में विश्व हिंदू परिषद बनी और दोनों ने मिला के 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में। और लांछन किसको लगा रहे? कांग्रेस को। ये मेरे साथी भाई बैठे हैं, इन्होंने भी लगाया कि हम कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की मुखबिर है, अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलती है। अरे भाई, हमने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उन आंदोलनों पे सिर्फ अपने अपने संगठन बनाए हैं। आपने आज भी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की विरोधी रही है और आप भारतीय जनता पार्टी और आप आज भी कांग्रेसों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी विदेशी फंडिंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी अमेरिका काहे के लिए गए थे, जो उनके फोटो आते हैं काहे के लिए गए थे? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुयायी आज भी क्या अंग्रेजों का मुखबिर है? कांग्रेस पे लांछन लगाते, कांग्रेस ने शहादत दी है, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है जी। और उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे थे और अभी ओबीसी की बात कर रहे थे। अरे भाई, हमारी जी आपको भी याद होगा कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी जी, और उससे पहले 2012 में हमारा आपके पास फिर आऊंगा पूरे जनगणना हुई थी। उसके बाद आपने जनगणना क्यों नहीं कराई 14 के बाद? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो एक प्रोसेस था, एक जो प्रक्रिया थी, उसको आपने क्यों ध्वस्त कर दिया? क्या कारण था? और अभी आप है ना ओबीसी की बात कर रहे हैं, चलिए छोड़िए, अभी आप मंडल की बात कर रहे हैं कि मंडल के लिए ये आयोग लगा था जी। अरे भाई, मंडल के लिए सर्वप्रथम गांधी जी ने जो एक आयोग बनाया था, आपको भी मालूम होगा मिच्छी जी, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी जी। और किस प्रकार से मंडल का मंडल चला था जी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था उस समय पे जी। पासवान जी आपको याद होगा, पासवान जी, चंद्रशेखर जी के बीपी सिंह जी कई लोग थे जब लागू हुआ गया था जी। तो उस समय पे भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख था, मैं पूछना चाहता हूँ। और कभी भी ये कश्मीर की बात करते हैं जी, तो कश्मीर पे जब बात हुई तो सबसे पहले अलायंस तोड़ने वाले कौन थे, इसकी भी बात कर ले सत्य जी। झूठ बोलना बहुत आसान है पर सत्यता पे बात करना बड़ा कठिन है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस देश के हित की बात की है। संक्षेप में बिल्कुल आपका जवाब चाहूंगा आरोपों पर, बिल्कुल संक्षेप में हम रमाकांत जी का रुख करेंगे फिर सत्यन जी। जी मेरे मोटे मोटे मेरे तीन प्रश्न उठा दिए इन्होंने जी। एक तो जो डोनेशन थ्योरी का और शहादत का जी, और जिस प्रकार से मैंने डेटा रखा, जो डेटा 37 में आंकड़े पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उसमें बताइए। करूंगा सत्यन जी का मौका है जी। सत्यन जी बात पूरी करें जी। देखिए, ये कहते हैं शहादत की, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कांग्रेस की ओर से सिर्फ लाला लाजपत राय जी को छोड़ दिया जाए जी, तो कोई एक साथ जो शहीद हुआ हो, जिसको फांसी हुई हो पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो आज सत्येंद्र जैन इस घोषणा करते हैं कि अगर एक नाम बता देंगे जिसको फांसी हुई हो, जिसको शहादत हुई हो, सिर्फ लाला लाजपत राय जी को छोड़ के, तो आजादी की लड़ाई में आपने भागीदारी की है। सारे आपने सिर्फ कांग्रेस के जो आंदोलन है उसमें सिर्फ अपनी संस्थाएं बनाई है, संस्थाएं बनाई है आपने। 1874 में आप ये बताइए टू नेशन थ्योरी 37 में कैसे बनी बंगाल में, जिसको कांग्रेस को बहुत पसंद आता था। जब हमारा सिंधु विश्वविद्यालय बना तो इन्होंने हिंदू नाम पर आपत्ति की थी, लेकिन सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया जो, वो सैयद अहमद खान 1874 में टू नेशन थ्योरी लेके आए थे, और उसको सैयद जो इकबाल अल्लामा इकबाल साहब है, उन्होंने भी उस टू नेशन थ्योरी का समर्थन दिया था। आज का जो तो देश को तोड़ने वाले हैं। अब तीसरी बात में और बता दूं, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, बस 5 सेकंड उनकी छोड़िया कहते हैं कि मरे हुए लोगों से बात करना, देखिए मरे हुए लोगों से बात कर लिया। चलिए 15 महीने में मैं रुक करूंगा रमाकांत जी का, काफी देर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। रमाकांत जी, सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, थोड़ी देर से आपका रुक कर रहा हूं, चूंकि बात अधूरी रह जाती प्रवक्ताओं की इस वजह से। अब जो सभाएं हो रही है रमाकांत जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है, लेकिन क्या स्थिति अभी तक देख पा रहे हैं आप? देखिए अमित जी, आम आदमी पार्टी का जहां जहां जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का आना हो, चाहे भगवंत मान जी का आना हो, या अन्य नेताओं का जब भी आना होता है, बड़ी लंबी सभाएं होती हैं, लंबी चौड़ी भीड़ होती है,
लोग अपने जेब का पैसा खर्च करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए आतुर है। लोग दूर दूर से चल के आते हैं आम आदमी पार्टी के सभाओं में, क्या बोलना जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, क्या संदेश आया है मध्य प्रदेश के लोगों को। तो मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों की प्रतीक्षा भी करती है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती भी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आए। और आज जैसा रीवा क्षेत्र में माननीय सरदार भगवंत मान जी जो पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यक्रम रहा, अच्छा जनसंख्या, इतनी जनसंख्या खुद से चल के आई, ना हमने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की, ना हमने उनके लिए पूरी सब्जी की व्यवस्था की, ना किसी वाहन की व्यवस्था की, लोग खुद का पैसा खर्च करके आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि यहाँ पर भी दिल्ली और पंजाब की तरह काम हो। आज गांव के लोग परेशान हैं, उनकी खाद खा गए ये नेता भाजपा की। आज गांव के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उनके हिस्से की बिजली खा गए ये लोग। तो गांव के लोग परेशान हैं, उनके बच्चों का रोजगार खा गए ये लोग। इसलिए वो लोग अपनी परेशानी का हल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में ढूंढ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसा लोगों को राहत दिल्ली और पंजाब में दी है, कम समय में मध्य प्रदेश के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलेगी। मध्य प्रदेश के लोगों का टैक्स का पैसा चोरी नहीं होगा, मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर भी खुशहाली आएगी, मध्य प्रदेश के लोगों को भी सर उठा के जीने का अवसर मिलेगा। और वो लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ही ये सब कर सकती है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ने मन बना लिया है, जहां जहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उनको दिख रहा है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से बड़ी तेजी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, बड़ी तेजी से आम आदमी पार्टी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से कहां तक जो मध्य प्रदेश की जनता है वो कनेक्ट हो पाई है? वो आरटीआई लगा के कुछ पेपर्स मैंने भी निकाले थे, जिसमें मरे हुए लोगों को ट्रेनिंग देके और उनके ऊपर पैसा प्राप्त कर लिया गया। और ये बहुत बड़ा एक प्रकरण है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर माफियाओं का। और आज जो राहुल जी ने, आपने सुना होगा कि राहुल जी ने बोला कि जीतू पटवारी जी और कुणाल, हमारे कुणाल चौधरी जी जो विधायक हैं, उन्होंने जो दिए, आप सोच नहीं सकते हैं कि 20 माह के अंदर 225 घोटाले हुए हैं, जिसके मैंने आरटीआई लगा के कम से कम 110 घोटालों की मैंने आरटीआई लगा के दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं, और वो बहुत जल्दी निकालने वाला हूं। और आप सोच नहीं सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और मेरे साथी मित्र बैठे हैं सत्यन जी, मैं पूछना चाहता हूं जी, सतन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुड़े हैं कि आपकी आवाज सुन रहे हैं जी, महाकाल 306 करोड़ का माननीय कमलनाथ जी ने कॉरिडोर बनाया था, उसको बढ़ा के 800 करोड़ किया गया जी। उसके अंदर तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अभी आपने देखा सेकंड फेज में, फिर जल्दबाजी में शिवराज जी ने जल्दी से उद्घाटन करके एक और 250 करोड़ का एक और कॉरिडोर तैयार, मतलब महाकाल में उसको उद्घाटन करके पैसे रिलीज कर दिए, 300 का कर्जा मध्य प्रदेश पे जी। और 60% केंद्र से राशि आती है, 40% स्टेट लगाती है जी। आप 28,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं, आपकी अधिकतर योजनाएं पाइपलाइन के अंदर है, केंद्र पैसा भेज नहीं रहा, 10,000 करोड़ MSP का जो आना चाहिए किसानों का वो आया नहीं जी। और जो मुआवजा जो हमारे और जो बोले वो आज तक नहीं आया जी। उसके बाद आप इवेंट पे इवेंट, उसके बाद बैठ के भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं जी। एक राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी है, एक सौ में कोई भी प्रमाण बताता हूँ तो आप कोर्ट भी जा सकते हो मेरे मित्र। ठीक है, मैं ये बोलते हैं, मैं सदन जी सुनिए, आप मेरे भाई हैं, आप सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आपका जब आप 2003 में आए, आपने बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर आपने 2000 में नहीं बना पाए 2003 में, उसके बाद मुख्यमंत्री दो बदले, उसके बाद आप 2008 में आए, बोले आप निर्भर मध्य प्रदेश बन गया, मैं जवाब दे रही। ठीक है, चलिए सत्यन जी जवाब दीजिए, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं, फिर रमाकांत जी का रुख करेंगे। सत्यन जी, मैं बता दूं आपको, देखिए जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे थे जनगणना के ऊपर एक प्रश्न आया था, 2011 में हुई थी जनगणना, एक जो नहीं आई थी, 2014 तक इनका हो रहा। और मैं बता दूं सितंबर 2010 में जनगणना का वो जारी हुआ, राष्ट्रपति जी के पास से डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में 28 पॉइंट पूछे गए थे, 28 पॉइंट में
कोई सर 29 पॉइंट थे, 29 प्रश्नों में ओबीसी के नाम पे एक भी प्रश्न नहीं था। तो वो टेक्निकल फॉल्ट कांग्रेस ने स्वयं किया था, सिर्फ और सिर्फ छलना चाहती है, ओबीसी देश को बांटना चाहती है इन्होंने राय प्रयोग किया। अब जो जिस प्रकार से इन्होंने बातें की हैं, तो आप बता, मैं बता दूं स्वर्णिम की परिभाषा क्या थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब मध्य प्रदेश का जो नंबर आता था सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 35 में, उसमें 35वां नंबर आया करता था, बीमारी राज्यों में हुआ करता था। आज हमारे माननीय शिवराज जी की तपस्या से, भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों के शासन की तपस्या से, आज मध्य प्रदेश बहुत सारे क्षेत्र में नंबर वन है और बहुत सारे पैरामीटर में 10 राज्यों में आता है। तो हमने जो स्वर्णिम की परिभाषा रखी थी वो है, और हमारा लक्ष्य है कि हम प्रथम 3 राज्यों में आए, और निसंदेह मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता हमको आशीर्वाद देगी जी। और ये तो भगवान जनता को राक्षस कहते हैं, इनको जमीन दिखाएंगे। रमाकांत जी आपकी बात पूरी करें, फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। रमाकांत जी, जी जी अमित जी, इन्होंने कहा कि इन्होंने खूब काम किया है, जनता आशीर्वाद देगी। मेरे को भी ये ताज्जुब होता है कि इन्होंने 20 साल के अंदर कोई एक ढंग का अस्पताल नहीं बनाया जिसमें लोगों का इलाज हो जाए। लोगों के पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे के उनका इलाज नहीं होता, वो बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। कोई एक ढंग का स्कूल नहीं बनाया है इन्होंने कि इनके बच्चे, लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाए। इनके बच्चे पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, अमेरिका जाकर के शिवराज जी के बच्चे डिग्री लेकर के आते हैं, और यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं, अगर पढ़ना है तो लाखों रुपए की फीस जाकर के दो, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ो। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। 20 साल में इन्होंने कोई एक ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिला हो। मध्य प्रदेश आरोप प्रत्यारोप का दौर अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 17 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस रणभेरी में कौन है जो जनता के मन को मोह पाता है और कौन जनमत को अपनी ओर खींच पाता है। बहरहाल इस चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।